तो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। पूर्व में हम 3 क्लास इस प्रकार से ऑनलाइन आपकी कर चुके हैं, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, वैश्विक अर्थशास्त्र, उसकी भिन्नता, उसकी परस्पर निर्भरता, उसका महत्व इत्यादि सब के बारे में विस्तार से हम जान चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में इसका अनुवाद कर देती हूँ हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, हालांकि बहुत कठिन बात नहीं है। नेशनल इनकम हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय आय जिसे हम कहते हैं। आज इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा। हो सकता है इसके 2 या 3 वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि यह विषय बहुत गहन है, व्यापक है, और इसमें एक वीडियो में सब कुछ समझाना आसान नहीं है या असंभव। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पे स्लाइड में देख रहे होंगे, मैंने आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं। आप सुन भी सकते हैं और उन्हें देखकर अपने नोट्स में उनकी मदद ले सकते हैं। तो जहाँ तक राष्ट्रीय आय के परिचय की बात है, हम सब जानते हैं जैसे किसी एक व्यक्ति की आय होती है, वैसे ही किसी राष्ट्र या देश की आय होती है और उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। परंतु जैसा कि एक व्यक्तिगत आय की परिभाषा की जा सकती है या उसकी गणना की जा सकती है, उसी भांति राष्ट्रीय आय की गणना या परिभाषा नहीं की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणा व्यक्तिगत आय की भांति सरल नहीं होती, अपितु जटिल होती है। आम बोलचाल में जनता किसी देश की आय के लिए जीएनपी शब्द का प्रयोग करती है, परंतु राष्ट्रीय आय स्वयं जीएनपी में से निकली एक अवधारणा है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय शब्द बोलचाल में किसी देश की आय का प्रचलित नाम है। वास्तव में सैद्धांतिक रूपों में इसे इसकी विभिन्न अवधारणाओं, जिसे हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, से ही समझा जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आय से जुड़े निम्न तथ्यों या बिंदुओं पर किसी को कोई मतभेद नहीं है। जैसे कि नंबर 1, राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था का दर्पण होती है। नंबर 2, यह उसके उत्पादन के आकार, प्रकार और वृद्धि का सूचक है। नंबर 3, यह नीति निर्माण में सहायक होती है। नंबर 4, भविष्य के विकास का सूचक राष्ट्रीय आय होती है। और नंबर 5, यह आर्थिक कल्याण का आधार है। और नंबर 6, राष्ट्रीय आय ही वहाँ के नागरिकों के जीवन का आधार है। इन समस्त बिंदुओं से जो एक बात हमें समझ आती है, वह यह है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को देखकर उस देश के विकास के स्तर का अंदाज़ा किया जा सकता है कि वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के लोग कितने संपन्न हैं, कितने विपन्न हैं, और वहाँ आर्थिक कल्याण का आधार क्या है, और राष्ट्रीय आय अपने आप में ही उस अर्थव्यवस्था का दर्पण होती है। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि प्रश्न आप बड़ा प्रश्न कर रहे हैं, तो इतना परिचय पर्याप्त नहीं होता है। आपको राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना पड़ेगा और उसमें कोई ना कोई परिभाषा को भी उद्धृत करना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है मीनिंग यानी अर्थ, क्योंकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को एक सामान्य आम नागरिक से भिन्न राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना समीचीन होगा, यानी उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह उसका सैद्धांतिक अर्थ बताए। तो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, के उस भाग से है जो किसी वर्ष विशेष में उसके समस्त उत्पादन के साधनों
जिन्हें हम FOP फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, को उनकी सेवाओं के बदले उनके प्रतिफलों के रूप में वितरित किया जाता है। जैसे श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ के रूप में जो प्राप्त होता है। यह जो लिखा है इसका मतलब ये है कि GNP होती है उत्पाद विधि के द्वारा गणना किए गए किसी भी देश की भूभाग में उत्पादित उत्पादन का विक्रय मूल्य। लेकिन जब उसे आय फॉर्म में यानी नेशनल इनकम के रूप में जानना चाहते हैं तो उस GNP में से किस किस उत्पादन के साधन को कितना कितना हिस्सा या पारिश्रमिक मिला, उन सब आयों का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो अब हम ये जानते हैं कि नेशनल इनकम अर्थात जिसको हम सांकेतिक रूप से NI से डिनोट करते हैं वो GNP का ही एक भाग है। तो GNP अर्थात किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो GNP को परिभाषित निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GNP एक देश के भूभाग में रह रहे उत्पादन के साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्यों का योग है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल है। देखा जाए तो यह परिभाषा अपने आप में ही इतना गहन अर्थ लिए हुए है कि इसके एक एक शब्द में एक अलग अर्थ छिपा हुआ है। तो हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं जिससे आपको इसका सही सही अर्थ समझ आएगा कि GNP क्या है। एक देश के भूभाग के भीतर यानी एक देश की सीमा जो है उनके भीतर भीतर उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित यानी श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, ये जो चार साधन होते हैं उत्पादन के, इनके द्वारा उत्पादित एक निश्चित अवधि में उत्पादित उत्पादन, यानी अवधि लेना भी बहुत ज़रूरी है जो कि सामान्यतः एक वर्ष की होती है, उस उत्पादित उत्पादन जो कि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन माना जाता है, यानी कि ऐसा उत्पादन जो कि मध्यवर्ती उत्पादन है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती से आप समझेंगे जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, फिर उससे आटा बना और आटे से फिर ब्रेड बने। यह उदाहरण वेस्टर्न देशों से आता है क्योंकि हमारा सारा अर्थशास्त्र जो भी हम पढ़ते हैं वह भी वेस्टर्न देशों से ही आता है, इसलिए हम वही उदाहरण इस चीज़ को समझाने के लिए पर्याप्त समझ रहे हैं। तो वहाँ पे जो ब्रेड है जिसको हम रोटी कहते हैं, हम रोटी हमारा अंतिम वस्तु है वो उसको ब्रेड कहते हैं, तो जो मध्यवर्ती वस्तु है वो है आटा। तो यदि हम गेहूं को भी मान लीजिए 100 किलो गेहूं है, अब गेहूं के मूल्य को भी शामिल किया, आटे के मूल्य को भी शामिल किया और ब्रेड के मूल्य को भी शामिल किया, तो इस तरीके से वो जो 100 रुपये मान लीजिए गेहूं था और उसके बाद 300 रुपये का आटा था और 500 रुपये की ब्रेड है, तो इस तरीके से वो 100 रुपये और 300 रुपये बार बार दो बार उसकी दोहरी गणना में शामिल हो जाएंगे, इसलिए इसमें अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्यों का योग ही लिया जाता है। और लास्ट बात जो इसमें कही गई है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल है, इसे NIA कहते हैं। आप नोट कर लीजिए NIA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें दो तरह के विचार शामिल किए जाते हैं, जब हम विस्तार से आगे राष्ट्रीय पढ़ेंगे तब हम इसे समझेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि कुछ आय जो हमारे देश के उत्पादन साधन विदेशों में रहते हैं वो यहाँ भेजते हैं और कुछ जो विदेशी हमारे यहाँ रह के आय कमाते हैं उसका कुछ भाग वो अपने देशों में भेजते हैं, उनका शुद्ध मूल्य जो है घटाने के बाद जो शुद्ध मूल्य है प्लस माइनस दोनों में हो सकता है वह राष्ट्रीय का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको समझाया है और नीचे जो मुख्य विशेषताएं लिखी हुई है वो इसी ऊपर वाली परिभाषा से निकाली गई है। फटाफट फटाफट मैं पढ़ देती हूँ। 1, निश्चित भूभाग में उत्पादित। 2, निश्चित समय सीमा माना 1 वर्ष। 3, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, उनका बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो X-MB हम NIA के प्रतिस्थापक रूप में लेते हैं क्योंकि कुछ वस्तुएं हम
अपने यहाँ उत्पादित करके बाहर भेजते हैं, जिनको निर्यात कहते हैं। कुछ वस्तुएं जो बाहर से उत्पादित होती हैं उन्हें हम मंगाते हैं अपने देश में उपभोग के लिए, उन्हें आयात कहते हैं। इस प्रकार आयातों निर्यातों का अंतर एक्स माइनस एम जो कि NIA ही कहलाता है, और वह भी GNP का हिस्सा बनता है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही समाहित करेंगे। आगे की क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो राष्ट्रीय आय के हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।